कहानी कुबड़ा तांत्रिक। जमशेदपुर में चोरी की वारदात बढ़ती जा रही थी। ये चोरी किसी के घर में नहीं बल्कि बाजार, सड़क, गली, मोहल्ले, इन जगहों पे घूमने वाले लोगों की जेबों से उनके पर्स के गायब होने की थी। आदमियों की जेबों से पर्स और औरतों के हाथों से पर्स, गले से चेन, ये सब चीजें किसी जादू की तरह गायब हो रही थी। चारों तरफ हल्ला मच चुका था कि ये सारे चोर कुबड़े हैं। पुलिस कुबड़े चोरों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी थी। शहर से लेकर गांव तक चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी थी, लेकिन उसके बावजूद चोरों का कहीं अता पता नहीं था। कई बार तो ऐसा होता कि पुलिस खड़ी रहती और एक कुबड़ा आता, चोरी करता और पुलिस के सामने से ही भाग जाता। कुबड़े चोर चारों तरफ आतंक फैला चुके थे। जिधर देखो उधर अफरा तफरी का माहौल था। जब लाख कोशिश के बाद भी चोर पकड़ में नहीं आए तो आखिरकार परेशान होकर इंस्पेक्टर ने सभी पुलिस वालों की मीटिंग बुलाई। चारों तरफ चोरों का आतंक फैलता जा रहा है। आप लोग कैसे काम कर रहे हैं कि अभी तक एक भी चोर पकड़ नहीं पाए? या तो आप लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर चोर बहुत चालाक है जो चोरी करके भूत की तरह गायब हो जाता है। अगर आप लोग नहीं कुछ कर सकते तो बता दीजिए, फिर मैं आप लोगों के खिलाफ कुछ करता हूं। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सारे सिपाही डर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक सिपाही उठकर बोलता है, सर हम बहुत ईमानदारी से कोशिश करते हैं फिर भी चोरों को पकड़ नहीं पाते, उसका एक कारण है सर। सर चोर चोरी करते ही इतनी तेजी से भागते हैं जैसे तार के अंदर बिजली दौड़ती है। हम चोरों का पीछा करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाते। सर ये सभी चोर कुबड़े हैं, उसके बावजूद इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि पीछा करना मुश्किल है। सिपाही की बात सुनकर इंस्पेक्टर थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, देखिए मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी करो लेकिन इन कुबड़े चोरों को पकड़ो। पुलिस वाले कुबड़े चोरों को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। सिपाही रमेश और विक्रम चौराहे पर ड्यूटी कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तभी एक आदमी आकर उन दोनों से पूछता है, अरे सर क्या आप मुझे नारायण हलवाई के मिठाई की दुकान बता सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम भी वहीं नाश्ता करने जा रहे थे, चलो चलते हैं। वो आदमी उन दोनों पुलिस वालों के साथ नारायण हलवाई के मिठाई की दुकान पर पहुंचता है और नारायण से बोलता है, भैया मैं 30 किलोमीटर दूर से आया हूँ केवल आपसे मिठाई लेने, क्योंकि आप शुद्ध मिठाइयाँ देते हो। भैया ऐसा करो कि 5 किलो बर्फी दे दो और पैसा बता दो कितना हुआ। 1,000 रुपए। नारायण लाला को पैसा देने के लिए जैसे ही वो आदमी अपना पर्स निकालता है, तभी एक कुबड़ा चोर पुलिस की वर्दी में आता है और आदमी का पर्स लेकर भागने लगता है। दोनों उस कुबड़े का पीछा करते हैं। तभी विक्रम को लगता है कि ये चोर तो जाना पहचाना लग रहा है। अब विक्रम और तेज दौड़ने लगता है और आखिरकार कुबड़े का चेहरा देख ही लेता है। चेहरा देखने के बाद विक्रम घबरा कर रुक जाता है। ऐसा लगता है कि उसके पैर एकदम जाम हो गए हों। विक्रम को रुकता देख रमेश पूछता है, विक्रम रुक क्यों गए, हम उसे बस पकड़ने ही वाले थे। विक्रम घबराते हुए रमेश से बोलता है, अरे यार जो मैंने देखा उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ऐसा क्या देख लिया उस चोर में जो तुम इतना घबरा रहे हो? रमेश तुमने देखा इस कुबड़े चोर को? ये कोई और नहीं अपने ही थाने का सिपाही कुबेर था। कुबेर था? अरे क्या बात कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो कुबड़ा था पर कुबेर तो बिल्कुल ठीक है। यार वही तो सोच रहा हूँ कि कुबेर तो बिल्कुल ठीक है, फिर ये कुबड़ा कौन है? इस बात को लेकर दोनों परेशान हो जाते हैं। रमेश विक्रम से बोलता है, विक्रम चलो चलो थाने चलते हैं, वहीं सच्चाई का पता चलेगा कि ये कुबड़ा कुबेर ही था या कोई और। दोनों सिपाही थाने पहुंचते हैं और थाना इंचार्ज को सारी घटना बताते हैं, फिर कुबेर के बारे में पता करते हैं। लेकिन जब मालूम होता है कि कुबेर थाने में नहीं है तो दोनों को मामला कुछ कुछ गड़बड़ लगने लगता है।
फिर रमेश विक्रम से बोलता है, विक्रम ये किसी तांत्रिक का काम लगता है मुझे तो। हमें किसी बड़े तांत्रिक के पास जाना होगा, वही इसका हल निकाल सकते हैं। सही कहते हो रमेश, जितना जल्दी हो सके हमें तांत्रिक के पास जाना ही होगा। दोनों सिपाही तांत्रिक के पास जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक ध्यान में बैठ जाता है और थोड़ी देर के बाद आंखें खोलता है, फिर बोलता है, अच्छा तो ये बात है, वो कुबड़ा लोगों को गुलाम बनाकर अपना काम करवाता है। रमेश और विक्रम तांत्रिक की बात को समझ नहीं पाते, फिर उससे पूछते हैं, क्या हुआ बाबा, कुछ दिखा आपको? तुम्हारा कुबेर अब तो कुबड़े तांत्रिक के वश में है, बहुत सारे लड़कों को इसने अपने वश में कर रखा है, उन सभी पर काला जादू करके कुबड़ा बनाता है और फिर उनसे चोरियां करवाता है। तांत्रिक की बात सुनकर विक्रम सिपाही बोलता है, बाबा हम उस कुबड़े तांत्रिक तक पहुंच कैसे सकते हैं ये बताइए। एक बार फिर तांत्रिक ध्यान लगाता है और कुबड़े तांत्रिक की गुफा का पता लगाकर बोलता है, मैंने पता लगा लिया है, चलो मेरे साथ उस कुबड़े तांत्रिक का खेल खत्म करते हैं। तांत्रिक और दोनों सिपाही एक साथ कुबड़े तांत्रिक की गुफा की तरफ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक जंगल पड़ता है। तांत्रिक उस जंगल के अंदर घुसने लगता है। सिपाही डरते हुए तांत्रिक के साथ पीछे पीछे चलते रहते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें काली गुफा दिखाई देती है। गुफा के आसपास कई गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं। विक्रम और रमेश चारों तरफ देखते हुए चलते हैं कि तभी रमेश को कुबेर की मोटरसाइकिल खड़ी मिलती है। अरे देखिए बाबा, ये कुबेर की मोटरसाइकिल है, अब तो पक्का हो गया कि कुबेर यहीं पर है। उसके बाद तीनों गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें बहुत से कुबड़े दिखाई देते हैं जो एक जगह पर चुपचाप बैठे हुए हैं बिना हिले डुले। तभी उन्हें कुबेर भी बैठा हुआ दिखाई देता है। कुबेर को देख रमेश उसके पास जाता है और जैसे ही छूने के लिए आगे बढ़ता है तो तांत्रिक उसे रोकता है। रुको, मत छूना उसे, ये कुबड़े तांत्रिक के वश में है, तुम्हारे छूते ही कुबड़े तांत्रिक को पता चल जाएगा और वो इन सब गुलाम कुबड़ों को मार देगा। तांत्रिक की बात सुनकर रमेश पीछे हट जाता है। फिर तीनों गुफा के और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कुबड़े तांत्रिक के पास बहुत से गुड्डे रखे हुए हैं और वो एक गुड्डे में सुई चुभो रहा है। ये देख तांत्रिक समझ जाता है कि कुबड़ा तांत्रिक आखिर कर क्या रहा है। कुबड़े तांत्रिक को गुड्डे में सुई चुभाता देख रमेश तांत्रिक से पूछता है, बाबा ये कुबड़ा कर क्या रहा है, ये गुड्डे में सुई क्यों चुभो रहा है? ये कुबड़ा तांत्रिक किसी और लड़के को वश में कर रहा है, ये कुबड़ा जिसको भी वश में करना चाहता है उसके नाम का गुड्डा बनाकर उसमें सुई चुभो देता है और उसे अपने बस में कर लेता है, लेकिन अब मैं इसे किसी को बस में करने नहीं दूंगा। तांत्रिक बाबा कुबड़े तांत्रिक के सामने जाकर बोलते हैं, ए कुबड़े इन सबको छोड़ दे, नहीं तो तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तू कुछ नहीं कर सकता मेरा, अभी तुझे भी बस में कर लूंगा। कुबड़े की बात सुनकर तांत्रिक बाबा गुस्से से भर जाते हैं और कमंडल से जल लेकर कुबड़े के ऊपर फेंकते हैं, जिससे कुबड़ा तांत्रिक रस्सी से बंध जाता है और जोर जोर से कराहने लगता है, अब मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो। छोड़ दूंगा, पहले ये बता कि लोगों को बस में करके तू चोरी क्यों करवाता है उनसे। फिर कुबड़ा तांत्रिक कराहते हुए अपनी कहानी बताता है।
मैं कुबड़ा ही पैदा हुआ था। बचपन से ही सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था, और एक दिन सबने मिलकर मुझे गांव से भगाने की चाल चली। मुझे झूठे चोरी के इल्जाम में गांव से बाहर निकाल दिया। बस उसी दिन से मैंने ठान लिया कि सबसे बदला लूंगा। जंगल में भटकते हुए मुझे एक जादूगर मिल गया, जिसने मुझसे मेरे दुखी होने का कारण पूछा तो मैंने सब कुछ उसे बता दिया। उसके बाद वो जादूगर मुझे इस गुफा में लेकर आया और सारे तंत्र मंत्र सिखाकर बहुत बड़ा तांत्रिक बना दिया। इसीलिए मैं सबको बस में करके उनसे चोरी करवाता हूँ और खूब पैसे कमाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इससे काम निकल गया तो उसे पुलिस से पकड़वा देता हूँ। तांत्रिक बाबा पूछते हैं, कैसे पकड़वा देते हो? जैसे ही वो पॉकेट मारी करते हैं तो तुरंत मैं उनका जादू खत्म कर देता हूँ, जिससे वो तेज भाग नहीं पाते और पकड़े जाते हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि सबको मुक्त कर दो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कुबड़ा तांत्रिक तांत्रिक बाबा की बात मान जाता है और सभी को मुक्त कर देता है। तांत्रिक बाबा भी अपना वादा पूरा करते हैं और कुबड़ा तांत्रिक को छोड़ देते हैं। साथ ही साथ रमेश और विक्रम गांव वालों को चेतावनी देते हैं, कोई भी कुबड़े के साथ भेदभाव नहीं करेगा, जो करेगा उसको हम जेल में डाल देंगे। अब गांव वाले कुबड़े के साथ प्यार से रहने लगते हैं और अब कुबड़ा हर रोज बरगद के पेड़ के पास बैठता है और बच्चों को जादू दिखाता है।